हमारे पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो स्वीकार की, ज्वाइन की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे में सारे पद लिखे हैं, सारे पद कि वो क्या क्या रहे। मैं सिर्फ इतना ही आग्रह उनसे भी करना चाहता हूं और प्रदेश की जनता से भी करना चाहता हूं। मैं बार बार मैंने जाए लिस्ट में इस साल में जिन जिन लोगों ने बीजेपी जाए कांग्रेस छोड़ी थी उसमें से 6 से 7 लोग राजनीतिक क्षेत्र में अभी भीड़ का हिस्सा नहीं, बाकी सब भीड़ के हिस्से हैं। मेरी शुभकामना है उनको, भगवान करे, ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। धन्यवाद। मोदी जी, क्या आप लोग की लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं? आप जीतू भाई अध्यक्ष बने हैं, आप हैं, या स्वीकार करना चाहता क्या युवा नेतृत्व से डरी हुई है क्या कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी? मतलब हताश टाइप के लगेगी ऐसा लग रहा है। मतलब कौन हताश? मेरे चेहरे से तो आपको एकदम खुशी दिख रही है। नहीं, आपने जो मेरा अनुरोध यह है, मैं बार बार ये कई बार वक्तव्य दे चुका हूँ, हम 4 बार चुनाव हारे, नेचुरल है नई और युवा पार्टी करनी है। जब ये भावना बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे इस तरह के जो भविष्य के गर्भ में के डर से लोग निर्णय लेंगे, मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। पर मैंने जैसा कहा कि सुरेश पचौरी जी ने जितने पद लिए एक पार्टी में जो मिल सकता है सर्वश्रेष्ठ मिला था, सर्वश्रेष्ठ। 4 बार लगातार राज्यसभा, 10 साल केंद्रीय मंत्री, पीसीसी का एक चुनाव उनके नेतृत्व में और भी कई कमेटियों में, नहीं बताया उनके इस्तीफे में। तो मैं मानता हूं ऐसे में वो गए, फिर भी गए, इन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। क्यों लिया, क्या लिया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं आग्रह करता हूं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे पहले जितने लोग गए 90% बीजेपी में जाने के बाद एक दिन की हार फूल माला पहनी उन्होंने, आपकी अखबारों की खबरें बनी, हमारी प्रतिक्रिया ली और हमने जो बोलना था बोल दिया, तीसरे दिन फिर वो अखबार में नहीं आते। तो ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा न हो वहां जाते। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेता जाते हैं वोट नहीं जाते, कार्यकर्ता नहीं जाते। एक भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ जाता है नेचुरल है, स्वाभाविक है, हमारा सबका दायित्व है कि उनसे बात करें, उनसे कन्वर्सेशन करें और बात करके समझाने की भी कोशिश करें, उनकी कोई बात ऐसी हो तो उस पर मिनिमाइज उनसे जो हो सकता है वो भी बातें करें, मतलब एक तरह से विचार विमर्श के साथ समाधान ढूंढें। पर वो इतने सीनियर मोस्ट व्यक्ति ने अगर निर्णय लिया तो हम नहीं मानते हैं कि उनको समझाने की आवश्यकता है, भगवान उनका भला करे, भार उतरा उन्होंने। मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी समेत अन्य नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को अपने निवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस छोड़ भाजपा का हाथ थामने वाले नेता भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। पटवारी ने कहा कि सुरेश पचौरी जी ने इस्तीफा दिया और भाजपा ज्वाइन की, उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं, भगवान करें वो भीड़ का हिस्सा न बने। पटवारी ने कहा कि हम 4 बार चुनाव हारे हैं, इस डर से लोग निर्णय लेंगे, कांग्रेस ने सुरेश पचौरी को सर्वाधिक दिया है, भगवान उनका भला करें, भार उतरा। पटवारी ने आगे कहा कि नेता चले जाते हैं लेकिन वोट नहीं जाते हैं, कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ नेता हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में प्रत्याशियों का ऐलान जल्द होगा, 3 दिन में प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, सूची में अच्छे नाम देखने को मिलेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने को दुख का विषय बताया, साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है।
उन्होंने कहा कि जो पुराने पत्ते हो जाते हैं वो पतझड़ में गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, धार से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह कालूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, पिपरिया से पूर्व विधायक अर्जुन पलिया, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल शर्मा, भोपाल शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, डॉ आलोक चंसोरिया, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश धिमोले, जयसपाल सिंह अरोरा। इसके साथ ही वल्लभ भवन में आज आग लग गई, जिस पर जीतू पटवारी बोले, वल्लभ भवन में भाजपा सरकार ने आग लगवाई है। उन्होंने पूछा कि इसके पहले चार बार आग क्यों लगी और दोषी कौन थे, किस विभाग की कौन सी फाइलें जली। पटवारी ने कहा कि पहले भी वल्लभ भवन और सतपुड़ा भवन में चार बार अलग अलग जगह आग लगी है, आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शनिवार को आग लग गई। तेज हवा के कारण आग चौथी, पांचवीं और छठवीं मंजिल पर भी पहुंच गई। इसकी जानकारी लगने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मंत्रालय पहुंचे। दोनों नेता ने मंत्रालय में जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें रोक दिया। इसके बाद पटवारी और सिंघार वल्लभ भवन के सामने धरने पर बैठ गए। जीतू पटवारी ने कहा कि वल्लभ भवन में भाजपा सरकार ने आग लगवाई है। उन्होंने पूछा कि इसके पहले चार बार आग क्यों लगी और दोषी कौन थे, किस विभाग की कौन सी फाइलें जली। पटवारी ने कहा कि पहले भी वल्लभ भवन और सतपुड़ा भवन में चार बार अलग अलग जगह आग लगी है, आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। आग सरकार ने लगाई है और यह भ्रष्टाचार के पाप को छुपाने की आग है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, करप्शन, मैंने हर बार कहा, पर्ची के मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने तीन सी से प्यार कर लिया, एक कर्ज से, करप्शन से, क्राइम से। करप्शन की फिर एक बानगी मिली है, वल्लभ भवन में आग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है, प्रदेशवासियों समझो, देखो। और जो हर धर्मिता सार्वजनिक जीवन की राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हो पूरे देश और प्रदेश में, उसका फिर ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश के सचिवालय में, वल्लभ भवन में देखने को मिला। ये लगातार पांचवी बार वल्लभ भवन को जलाया गया। जरूर हम जो बात कहते हैं वो जनता एहसास शायद नहीं हो पा रहा है, पर ये भावना मीडिया के उस वर्ग को मैं आगाह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी भी, लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है इसकी भी मर्यादा नहीं बचेगी।